नमस्कार, मैं हूं दीपक। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम क्राइम सीन, जिसमें आज हम बात करेंगे अंडरवर्ल्ड की दुनिया के बादशाह रहे छोटा राजन के बारे में। छोटा राजन एक समय में दाऊद का सबसे खास मित्र हुआ करता था, लेकिन अब दोनों के बीच दुश्मनी हो गई। छोटा राजन पर कई बार दाऊद हमला भी करवा चुका है, लेकिन छोटा राजन हमेशा बच निकला। जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह छोटा राजन ने अपने जुर्म की शुरुआत ब्लैक में टिकट बेचने से की थी, और फिर धीरे धीरे दाऊद का दिल जीत कर उसका सबसे खास आदमी बन गया। मुंबई के चेंबूर में 5 दिसंबर 1960 को छोटा राजन का जन्म एक मराठी परिवार में हुआ था। राजन का असली नाम राजेंद्र सदाशिव निरखलजे है। राजन के पिता थाने में नौकरी करते थे। राजन को 3 भाई और 2 बहनें थी। राजन का पढ़ाई में मन नहीं था। उसने छोटी उम्र में ही फिल्म की टिकट ब्लैक करना शुरू किया। इसी बीच वो राजन नायर गिरोह में शामिल हुआ। जुर्म की दुनिया में छोटा राजन बड़ा राजन का दाहिना हाथ बन गया था, इसलिए लोग उसे छोटा राजन कहने लगे। छोटा राजन कद में इतना छोटा भी नहीं कि उसे कहीं से छोटा कहा जाए, पर अंडरवर्ल्ड में वह छोटा राजन के नाम से ही हमेशा कुख्यात रहा। इसकी वजह बड़ा राजन से उसकी संगत रही। बड़ा राजन के 1982 में मरने के बाद गिरोह को छोटा राजन संभालने लगा। उसने बड़ा राजन की हत्या का बदला लेने के लिए गोली चलाने वाले शूटर पर 2 बार हमला किया, लेकिन दोनों ही बार मारने में कामयाब नहीं हो पाया। इसी दौरान दाऊद इब्राहिम छोटा राजन से प्रभावित हो गया और उसने छोटा राजन को मिलने बुलाया। वहीं छोटा राजन की दाऊद गिरोह में जगह बन गई। गिरोह में आने के बाद छोटा राजन ने अपने गुरु बड़ा राजन की हत्या का बदला शूटर को मारकर पूरा किया। छोटा राजन और दाऊद एक दूसरे पर पूरा भरोसा करने लगे थे। वो कम समय में अच्छे दोस्त बन गए। डी कंपनी में छोटा राजन का रुतबा काफी बढ़ गया। दाऊद का भरोसा छोटा राजन पर ज्यादा होने के कारण छोटा शकील की नजरों में वह चुभने लगा था। दाऊद इब्राहिम के बाद छोटा राजन का ही अंडरवर्ल्ड में नाम था, लेकिन छोटा शकील ने छोटा राजन के खिलाफ अंदरूनी बगावत शुरू की और दाऊद इब्राहिम को भड़काना शुरू किया। 1993 के ब्लास्ट के बाद छोटा राजन डी कंपनी से अलग हो गया और उसने अपने खुद का गिरोह बनाया। दुबई में दाऊद इब्राहिम ने एक बड़ी पार्टी आयोजित की थी। पार्टी में बड़े लोग आने वाले थे। पार्टी में छोटा राजन को भी बुलाया गया था। छोटा राजन को पार्टी में जाते वक्त एक कॉल आता है। कॉल पर एक आदमी कहता है, पार्टी में आप पर हमला करने का प्लान बनाया हुआ है, आप मत आना। जिसके बाद छोटा राजन दुबई छोड़कर काठमांडू चले गया था और वहां से फिर मलेशिया। लेकिन जान का खतरा हमेशा बना रहता था। उसे अपने छुपने के लिए बैंकॉक ही सही ठिकाना लगता था, तो वो वहां चला जाता था। काफी समय बाद दाऊद को छोटा राजन के बैंकॉक में होने की जानकारी लगती है। वो अपने शार्प शूटर को छोटा राजन को मारने के लिए बैंकॉक भेजता है और छोटा राजन पर अंधाधुंध गोलियां चलवाता है। उस शूटआउट में राजन बच तो गया, लेकिन उसकी एक किडनी डैमेज हो गई। छोटा राजन का नाम 2011 में क्राइम रिपोर्टर की हत्या में आया था। उसके बाद 2013 में बिल्डर अरशद शेख और अजय गोसलिया की हत्या में छोटा राजन गिरोह के लोगों के नाम आए। अक्टूबर 2015 को इंडोनेशिया के बाली में छोटा राजन को गिरफ्तार किया गया। हथियार, ड्रग्स, वसूली, तस्करी और हत्या करने जैसे 70 मामलों में छोटा राजन को कोर्ट ने दोषी माना और छोटा राजन को उम्र कैद की सजा सुनाई। टिकट ब्लैक करने वाले छोटे राजन ने कभी सोचा नहीं होगा कि वह एक दिन जुर्म की दुनिया का मास्टरमाइंड होगा। ऐसे ही और भी जुर्म की दुनिया के बेताज बादशाहों की कहानी जानने के लिए देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज़।